जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कौन सी मोबाइल नंबर लिंक है, विदाउट ओटीपी से आप कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपको ये नहीं पता कि अपने आधार कार्ड से कौन सी मोबाइल नंबर लिंक है, तो दोस्तों ये वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप सभी को मैंने ए टू जेड प्रोसेस बताऊँगा कि आप लोग अपने आधार कार्ड में कौन सी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन घर बैठे कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए सभी लाभार्थियों को क्या करना होगा, अपने ही मोबाइल फ़ोन में से कोई भी इंटरनेट सर्च ब्राउजर को ओपन करना होगा। मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को क्या करना होगा, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद ये जो चार्ज बार है, ये चार्ज बार में चार्ज करना होगा उदय। दोस्तों उदय चार्ज करने के बाद आपके सामने उदय का जो भी चार्ज रिजल्ट होगा ओपन हो जाएगा। सबसे पहली वाली जो लिंक है uday.gov.in, सभी लाभार्थी को यानी कि सभी आधार होल्डर को इसी पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड की तरफ से और एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने जो भी लैंग्वेज है लैंग्वेज को जरूर कीजिएगा। दोस्तों लैंग्वेज को सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने इसमें जो इंग्लिश है इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है, आप सभी लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भी ऑफिशियल पोर्टल होगा ओपन हो जाएगा। इस पर आने के बाद एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड है। दोस्तों अगर आप सभी का जो आधार कार्ड है 10 साल से ज़्यादा हुआ है, बनाया हुआ है, तो दोस्तों आप सभी का आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट करना होगा। डॉक्यूमेंट अपडेट आप सभी लोग कैसे कर सकते हैं, उस टॉपिक का ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसी वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा। जिन जिन लाभार्थी का आधार कार्ड 10 साल नहीं हुआ है, उन सारे लाभार्थी को ये जो आपको कैंसिल ऑप्शन है इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सभी लाभार्थी को जाना होगा नीचे तरफ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाला है कि अपने आधार कार्ड में कौन सी मोबाइल नंबर लिंक है, आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सभी को क्या करना होगा, आधार सर्विस पर आना होगा। उसके बाद सभी को क्या करना होगा, ये जो वेरीफाई एंड आधार नंबर उसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा वेलकम टू माई आधार। तो दोस्तों सभी को नीचे तरफ स्क्रॉल करना होगा। नीचे तरफ आने के बाद आप सभी को ऑप्शन लिखा होगा जिसमें लिखा होगा देखिए सेक आधार वैलिडिटी। तो दोस्तों सभी को सेक आधार वैलिडिटी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप सभी को क्या करना होगा, इसमें आपको आधार नंबर को डालना होगा, जिस आधार नंबर आप चेक करना चाहते हैं कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन सी लिंक है। तो दोस्तों इसमें आधार नंबर डाल के ये जो कैप्सा दिख रहा है सेम कैप्सा कोड को डाल के प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों मैंने आधार नंबर डाल दिया है, उसके बाद इसमें जो भी कैप्सा है कैप्सा भी डाल दिया है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है। आप सभी को प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी जो आधार नंबर है इसमें दिखाई देगा, और इसमें देखिए आधार कार्ड में इसमें जो एज है एज कितना हुआ है आधार होल्डर का इसमें आ जाएगा। आधार होल्डर मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला, इसमें जानकारी मिलेगा। स्टेट कौन सी है इसका जानकारी मिलेगा। और दोस्तों सबसे नीचे दिखाई देगा देखिए मोबाइल नंबर। तो दोस्तों मोबाइल नंबर कौन सी लिंक है, ये आपको 3 डॉट देखिए आपको 3 डिजिट नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को क्या करना होगा, ये जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है ये नंबर से पता करना होगा कि आपके आधार कार्ड से अपने घर में कौन सी मोबाइल नंबर लिंक है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है आप बिल्कुल बिना ओटीपी के मदद से आप घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन के मदद से कर सकते हैं। मैंने जो भी प्रोसेस आप सभी को बताया है वही प्रोसेस से आप सब फॉलो कीजिएगा, आप सभी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो इतना तक है। जय हिंद जय भारत।